बीजेपी के जो भीम आर्मी के जो अभी कुछ ही दिन पहले जो अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जो कि भीम आर्मी के जितने भी समर्थक हैं यहाँ पे एकजुट हैं, और इन्होंने जो पार्टी है इनका जो मिशन मूवमेंट का जो कार्य है भीम आर्मी का, वो पार्टी में तब्दील कर दिया है। हालांकि भीम आर्मी भी एक संगठन जो कि चल रहा है, और उसके साथ साथ में ASP पार्टी भी है। जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये पीछे जो उनके समर्थक हैं, ये उनके लिए कार्य कर रहे हैं, उनके पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। जो कि पहला उपचुनाव जो जैसे कि बिहार में भी चुनाव चल रहा है, वहाँ पे भी उन्होंने अपना गढ़ बना लिया है, और उपचुनाव जो बुलंदशहर में होने वाला है वहाँ भी अपना गढ़ बना चुके हैं। तो हम लोगों से हम जानेंगे कि कैसे कार्य चल रहा है, क्या इस बार ASP पार्टी अपना वर्चस्व, अपना ये सीट निकाल पाएगी, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अब्बास गाजी। हाँ जी अब्बास जी, और इसमें जो प्रत्याशी हैं क्या नाम है उनका? हाजी अमीन साहब। क्या ये लगता है कि मतलब कि जो चुनाव है और इसमें कुछ उनका हो पाएगा? बिल्कुल होगा। हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज़बरदस्त सीटों से जीत रहे हैं, इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में जिस तरीके से हाजी अमीन साहब की लोकप्रियता है, क्योंकि वो बहुत शरीफ आदमी है, सज्जन आदमी है, और उनके खिलाफ़ आप समझ लीजिए कभी 151 का भी मुकदमा नहीं हुआ है, और समाज में उनकी बहुत अच्छी छवि है और लोग उनको मानते भी हैं। तो इस वजह से एक तो ये हो गया, दूसरी बात ये है कि इस समय बदलाव का दौर आ रहा है, युवाओं का दौर आ रहा है, और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की नीतियों से प्रभावित होकर बुलंदशहर की जनता ने जो है उनको चुनने का काम किया है। और आपको मैं ये बता दूं कि 25 तारीख को भाई आ रहे हैं, यहाँ के लोगों में इतना उत्साह है उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, कि आप देखिएगा 25 तारीख को नुमाइश ग्राउंड में बड़ी संख्या में, यहाँ तक कि आज योगी जी आए हैं, आप उनका कार्यक्रम जाके देख लीजिए, 25 तारीख को हमारा कार्यक्रम जाके देख लीजिएगा, आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि इस देश में जो है जिस तरीके चंद्रशेखर जी के चाहने वालों का कारोबार, जिस प्रकार से वो भीम आर्मी को तब्दील एक पार्टी में कर दिया है ASP पार्टी में, आपको लगता है कि यहाँ के लोग, जनता जो है और प्रसन्न है? बिल्कुल प्रसन्न है, क्योंकि देखिए अभी जब तक सामाजिक संगठन था तो समाज के लिए काम करते थे, लड़ाई लड़ते थे, लेकिन समाज को हक दिलाने का अगर काम करना है तो उसके लिए हमें राजनीतिक संगठन तो बनाना ही पड़ेगा। सामाजिक संगठन से हम समाज को हक नहीं दिला सकते, और समाज को हक दिलाने के लिए हमको सत्ता में आना पड़ेगा। आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस दिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, आप ये समझ लीजिए कि उस दिन दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, पिछड़ों के लिए, वो दिन उनके हक, उनकी आवाज़, उनके सारे सुख सुविधाओं को हर तरीके से, जो आज के समय में दलित समाज की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, मुस्लिम समाज को मारा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, तो हम लोगों की सत्ता शासन होगी, और आदरणीय चंद्रशेखर जी जिस दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे उस दिन इस प्रदेश में अमन चैन, जो बहुजन समाज है, जो 85% जिनकी संख्या इस देश में है, और हम ही लोग हुक्मरान से और सत्ता से दूर हैं, तो हम लोग जब सत्ता में आएंगे चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में, हम लोगों को सारी सुख सुविधाएँ चंद्रशेखर जी। कोई ऐसी पार्टी नज़र आ रही है जो जिसे मतलब कि आप लोगों को लगता है कि ये पार्टी हम मतलब कि हमारी पार्टी इसकी वजह से मतलब कि या कहीं 19-20 हो सकती है, कोई ऐसी पार्टी है? देखिए इस वक्त हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने भाजपा को भी देख लिया है, यहाँ पे लोगों ने बसपा को भी देख लिया है, और अब जनता मन बना चुकी है, मन बदलना चाहती है, और आदरणीय चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में बदलाव चाहती है, और ये हमारा पहला चुनाव है, और जनता ने ये भी कह दिया है कि मैं आपको पूरा समर्थन दूंगा, यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग खासतौर पे, क्योंकि हाथरस वाले मामले में जिस तरीके से बहन को, मनीषा बहन को जो है भाई ने न्याय दिलाया, उनके लिए लड़ाई लड़ी, तो उससे वाल्मीकि समाज जो है वो पूरी तरीके से आज़ाद समाज पार्टी के भाई के साथ एकदम समझ लीजिए कि पूरी तरीके से आने को तैयार हो गया, और इसका आपको जब रिजल्ट आएगा इसको आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरीके जैसा कि मनीषा जो मतलब कि जो हाथरस बीटा के साथ में जैसा हुआ वर्ष की हुई, जो उसमें तो ज़्यादातर SC ST और OBC भी अब मतलब कि निकलने लग गया है, समर्थन देने लग गया है, और अन्याय की गुहार कर रहा है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार से मतलब कि ये लोग संगठित हो रखे हैं, उसी प्रकार से जो बाहुल्य संख्या में ये स्वर्ण है वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप यहाँ पे मतलब कि चंद्रशेखर जी का साथ दे सकते हैं जो यहाँ के जो स्वर्ण जाति के लोग हैं?
देखिए, इस बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता है क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो 1585 की है, और जो 15% के लोग इस देश में हैं और वो 85 के ऊपर राज कर रहे हैं, तो काशीराम साहब का नारा था कि जितनी जिनकी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हम लोग यही चाहते हैं और हम लोगों का मिशन यही है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, और इसी के आधार पर चल के हम लोग जो है माननीय साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग जो हम लोगों की संख्या इस 85% की है इस देश में, सबसे ज़्यादा हम ही लोगों को मारा जा रहा, सताया जा रहा है, तो हम लोग 85% होने के बाद भी सत्ता से दूर हैं और 15% वाले हम लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं, तो अब ये नहीं चलेगा। समाज को गांव गांव जाके समाज को जगाने का काम करेंगे कि अगर आपकी हक। अच्छा, जनता के बीच में क्या विकास कार्य का कोई एजेंडा बनाया होगा पार्टी ने, क्या मतलब उनके बीच में जाकर क्या विकास योजना है? देखिए, विकास का ये हमारा पहला चुनाव है ना, और ये चूँकि कोई सरकार बनाने का और गिराने का चुनाव तो है नहीं, ये विधानसभा का उपचुनाव है, और चूँकि हाजी यामीन साहब जो है हर चीज़ में सक्षम है, तो इंशाल्लाह अब देखिए, अभी वो विधायक बने भी नहीं हैं, लेकिन उससे पहले वो क्षेत्र में जो है तमाम जनता की समस्याओं को वो पूरा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जो जनता की ज़रूरतें हैं, क्योंकि वो अपने आप में खुद इतना सक्षम है कि वो जो है, चूँकि वो बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, तो वो जहाँ जहाँ जनता की जो समस्याएं हैं उसको वो पूरा करने का काम कर रहे हैं। और जो आप सोच लीजिए, जिस दिन वो विधायक बन जाएंगे तो उस दिन यहाँ बुलंदशहर की सदर की जो जनता है वो हाजी यामीन साहब को एक मसीह के रूप में देखेगी। तो अभी हम ले चलते हैं, अभी जो पार्टी की जो यहाँ पे कार्यालय जो स्थापित की है, हम अंदर जाएंगे, हम और भी लोगों से मिलवाने वाले हैं और उनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि किस प्रकार से वो गांव में गांव-गांव जाकर के, और यहाँ पे जो बुलंदशहर इतना बड़ा कस्बा है, यहाँ पे मुसलमान बाहुल्य भी है, तो उस प्रकार से टिकट भी मिला है, और देखते हैं कि आगे का क्या कार्यभार कर रही है एएसपी पार्टी। और मेन उस जो विकास का जो कार्य है और जो एजेंडा है वो क्या क्या एएसपी पार्टी उनके बीच में लाने वाली है, हम तमाम लोगों से हम रूबरू कराएंगे और बातचीत करेंगे। ये एक्स डी एम नील रतन जी जो हैं उनके ससुर जी हैं, उनके बड़े भाई की बेटी जो है उनके घर में है, तो उनके तो पूरा ही हाथ है पूरे हमारे, क्योंकि जय भीम, नमो बुद्धाय। और हम लोग आए हैं, हाँ भाई, हाजी यामीन, हाजी यामीन जी के लिए आपसे कहने आए हैं कि इस बार एक निर्दयी, कर्मठ, ईमानदार व्यक्ति को, मेहनती व्यक्ति को आगे बढ़ के काम करने का मौका दीजिए। फिर आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि कोई नेता आते नहीं है, काम करने आते नहीं। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आपके घर पर कोई महिला भी आई है, पहले कभी आई नहीं होंगी, है ना, महिला भी आई है आपके दरवाजे पर। तो जब महिला घर से बाहर निकल के सड़कों पे आ जाए तो समझो कि देश में जरूर परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, है ना, देश का विकास रुका हुआ है। अरे जीतेंगे भाई, जीतेंगे ऑटो वाले, जीतेंगे अरे जीतेंगे भाई, जीतेंगे ऑटो वाले, जीतेंगे बीमार में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद बीमार में जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो जब से नहीं बता रहे थे कभी चाय पी ले, बैठो चाय। हाँ, नहीं, अब तो आप ही की चाय है। वो बस ये कहने आए हैं, अब की बार हाजी यामीन जी को जाना चाहिए, आपका वोट है ना, क्योंकि बहन बेटियों के लिए आप देख रहे हैं जिस प्रकार भी मार में काम कर रही है, पूरे देश में कोई नहीं है जो बीजेपी के सामने खड़े होकर टक्कर ले सके, है ना। अगर बीजेपी को कोई डरा सकता है तो वो है सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद,
इतनी हिम्मत हमारे भाई में ही है, तो एक ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके, है ना, हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा कर सके, हमारी मांगे मनवा सके, सरकार के ऊपर दबाव बना सके। जो जिसके पास कोई पद नहीं है, कोई ताकत, कोई पावर नहीं है, लेकिन वो तब भी सरकार को डरा रहा है, ऐसे ही आदमी चाहिए ना हमें। हमें तो अंगुली माल जैसा ही आदमी चाहिए जिसे सब क्षेत्र डरे। हमें रॉबिन हुड जैसा आदमी चाहिए जो गरीबों की मदद करता हो। तो वो सारी क्वालिटी हमारे भाई में नहीं, पानी की जरूरत नहीं, पानी पी लिया। बैठो, पानी वानी ले लो, बैठो। देखिए बाबू जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इतना बढ़िया घर सब परिवार देखकर मुझे लग रहा है कि आपने जीवन भर बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है ना, बहुत काम किया है। और आप इस बात से निराश मत हो ना कि ये शरीफ है। अरे बहुत मेहनत करी है, तो बच्चा पंचू है।